हाय गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स और कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ हमें लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड करके बताइए कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है, हमें कौन से लेवल्स पर आकर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखिए, आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ और ये लाइव मार्केट वर्क कर रहा है तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है और हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन से लेवल पर कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मॉर्निंग में सबसे पहले अपने स्विंग्स को बनने दीजिए, मार्केट में एक स्विंग्स क्रिएट होने दीजिए। देखिए, मार्केट फर्स्ट कैंडल पर ओपन होता है, मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूं यहां पर, और जब ये मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, और सेकेंड यहां पर एक स्विंग्स क्रिएट होता है, यह है हमारा एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल पर आकर एक रेजिस्टेंस दिया और सेकंड यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिया। तो मैंने आपको बताया है हमेशा कि ऑपरेटर ट्रैप कैसे करते हैं। ऑपरेटर ट्रैप करते हैं, या तो वह किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देंगे, ठीक है, या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देंगे। जब ये लेवल्स आते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के, तभी मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रैप बिछाया जाता है और उसी ट्रैप की वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने यूट्यूब से सीखा है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें इस लेवल्स पर आकर अपने कॉल्स को बाय करना चाहिए, और किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें इस लेवल्स पर आकर अपने पुट को बाय करना चाहिए। और मार्केट में ऑपरेटर ये सब बातें जानते हैं तो वह मार्केट को इसके अगेंस्ट लेकर जाते हैं। देखिए, जैसे मार्केट में एक स्विंग्स क्रिएट होता है, और कल का ये मार्केट में एक लो प्राइस था, यहाँ पर भी एक मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया था छोटा सा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने प्राइस को रिवर्स करने की कोशिश की थी, एटलीस्ट मार्केट ने आज उसी लेवल पर आकर आपको एक स्विंग्स दिया, एक सपोर्ट क्रिएट करके दिया। जैसे ही मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट में अगेन इस लेवल पर आकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजिशंस पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर्स चाहते भी हैं कि इस लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स आएं और अपनी पोजीशंस को आकर क्रिएट करें। और वही हुआ, मार्केट इसके बाद वापस से रिवर्स हो गया। ठीक है, अगेन देखते हैं, ये तो हमारा एक जो डाउनसाइड का ब्रेकडाउन था, अब हम देखते हैं कि मार्केट में अपसाइड का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, उसमें मार्केट ने कैसे वर्क किया है। मार्केट ने इस लेवल पर आकर कहीं ना कहीं हमें फिर से एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ने प्राइस को रिवर्स किया था, इस लेवल से भी मार्केट ने आकर इसको रिवर्स किया है, अगेन मार्केट में इसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद वापस से मार्केट रिवर्स हो जाता है, फिर से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से मार्केट रिवर्स हो जाता है। जिन लोगों के पास हमारा कोर्स है और जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव सेशन किए हुए हैं, उन लोगों को ये चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे से और क्लियर तरीके से समझाई हुई हैं कि मार्केट में हमें कौन से लेवल्स पर आकर ट्रेड करने चाहिए। मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ वह किसी ब्रेकडाउन के या ब्रेकआउट के होने पर ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट में एक ऑपरेटर अपनी एंट्री को कहां पर बना सकता है। ठीक है, इसके लिए मुझे जो जरूरत पड़ती है और इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिवर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए मैं लेता हूं मूविंग एवरेज, ठीक है, मैं मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड लेता हूं, साथ में FIDI का डेटा, जैसा आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानते हैं, इसी तरीके से मैं मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट भी करता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट लेवल ये था, ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ से भी इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है, डिटेल ट्रेडर्स को बुलाया और वापस से मार्केट रिवर्स की तरफ होल्ड करने के लिए शुरू हो गया है। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं वह इसी लेवल्स पर आकर होते हैं। और मैंने एक चीज़ और सिखाई है, जिन लोगों के पास हमारा लाइव सेशन है, लाइव ट्रेडिंग सेशन है, और जिन लोगों के पास हमारे कोर्स हैं, मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल्स नंबर होते हैं, ठीक है, तो क्या साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट ने वर्क किया है, देखते हैं कि 44,000 से मार्केट ने, ठीक है, और यहाँ पर 43,500 से मार्केट ने वर्क किया ही नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ साइकोलॉजिकल्स नंबर होते हैं, मार्केट यहाँ से वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें मैंने उन लोगों को समझाई हुई हैं। तो मार्केट में मैंने हमेशा ये भी कहा है कि आप कभी भी सेंटर में वर्क मत कीजिए, ठीक है, आज जिस दिन आप मार्केट में सेंटर में आ गए, ठीक है, सेंटर्स में ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ से लॉस ही उठाने पड़ेंगे। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ ही जाइए, ठीक है, तभी वहाँ पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ठीक है, मीटअप के लिए, तो आप भी आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उस वेबसाइट पर जाकर, हमने एक छोटा सा चार्जेस रखा है 999 रुपीज़, और साथ में हमारा एक सेमिनार भी है, वहाँ पर भी एक छोटा सा चार्जेस है, ठीक है। तो लेकिन मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप तो इतना सारा पैसा बनाते हैं तो फिर आपने ये चार्जेस क्यों रखे हैं। देखिए,
मैं जानता हूँ कि ये चार्जेस कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि आप काफ़ी दूर से आएंगे मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे प्रबंध करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं आपके लिए अहम हूँ तो उससे कहीं ज़्यादा आप मेरे लिए अहम हैं, ठीक है। तो मुझे आपकी देख रेख का पूरा ध्यान रखना होगा, तो इसलिए ही ये थोड़े से चार्जेस रखे गए हैं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ एक स्ट्रांगनेस के साथ, ठीक है, मीटअप कर सकें, सेमिनार्स कर सकें, ठीक है। तो आप आ सकते हैं दिल्ली के अंदर, हम 9 जुलाई को आ रहे हैं, तो आप लोगों का वेलकम है। मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, जितने उत्सुक आप मुझसे मिलने के लिए हैं मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। मेरे लिए भी आप बहुत अहम हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना और जानना चाहता हूँ, आप लोगों के सपने जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा भी कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारा ये 9 जुलाई का सेमिनार ज्वाइन करेंगे और ये मीटअप को ज्वाइन करेंगे, अगर उनकी लाइफ में यू टर्न नहीं आया तो आप मुझे लाइव आकर कहिएगा कि सर जो आपने सिखाया है वह काम नहीं करता, सर जो आपने हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाया है वह काम नहीं करता। ये मुझे आप लाइव आकर कहिएगा, मैं ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, और आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं दिल्ली के अंदर, थैंक यू।